ये आग नहीं, ये लिट्टी और मीट का आज प्रोग्राम है और हम लोग के ब्लॉग में एक पर्सनल लिट मीटी बिहार में जो होता है उसी के लिए आग उपला पे जलाया गया है और रहा है मीट और ये है लिट्टी और ये हमारे चंदन जी हैं, चेहरा इधर से दिखेगा। चंदन जी बहुत अच्छा मीट लिट्टी बनाते हैं, मटन भी बनाते हैं और ये भाई साहब हैं चोखा खाने वाले, आलू के चोखा कहते हैं कि हमको मीट नहीं करना, ये हम लोग मटन देखते हैं। आज लीट या मिट्टी के प्रोग्राम बा हमनी के बड़का बगीचा गंगा जल में। ये देखिए क्या बात है, एकदम तैयार बा, लहसुन वसुन सब डाला इधर। हाँ इधर खा रहे हैं हमारे धर्मेंद्र जी हैं, ये पहले चख के बता देते हैं कि कैसा लग रहा है। हाँ तो ये लीट ये मीट तैयार बा, लाइट लाइट टॉर्च अब कहाँ से हम लाए। और ये पार्टी हो रहा है और ये हम लोग का एक स्कूल है, स्कूल ग्लोबल एजुकेशन। तो आज स्कूल ऑफ ग्लोबल एजुकेशन के संस्थापक हैं, तो सर ये स्कूल इधर पीछे हम ले लेते हैं, ये आएगा। और हमारे डायरेक्टर साहब हैं सुरेश जी, तो सर इस स्कूल के विषय में दो शब्द आप बता दे। तो स्कूल जो है वो पूरा प्रैक्टिकल एजुकेशन पे आधारित है, सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग लैब के थ्रू पढ़ाते हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास में हम लोग मदद करते हैं। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, खेल कूद म्यूज़िक स्पोर्ट्स सब चीज़ में पढ़ाई के साथ, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो उस पर ध्यान दिया जाता है। सर एक और इस बार से हम लोग रेजिडेंशियल भी शुरू कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हॉस्टल का भी सुविधा शुरू कर रहे हैं। लोग एक चीज पूछता है लोग कि आखिर पटना में क्यों ना अपने बच्चे को एडमिशन कराए, गंगाजल मैंने दीघा पुल के पास क्यों जाए। ये ग्लोबल स्कूल है ना, तो पटना का है ना सोनपुर का है, ये ग्लोबल स्कूल है। यहाँ पे पढ़ाई जो होती है वो ग्लोबल दर्जे की होती है, यहाँ पे बाहर के भी लैंग्वेज सब सिखाए, बिल्कुल जर्मन फ्रेंच सब कुछ सिखाया जाता है। सीबीएसई एफिलिएटेड हो चुका है 10+2 लेवल पे। तो आप लोग भी अगर स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो आप आ सकते हैं। ये दीघा जो जेपी सेतु है, दीघा पुल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके 100 मीटर के बगल में गंगाजल बड़का बगीचा ग्लोबल एजुकेशन। पटना से यहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगता है, कहीं से भी आधा घंटा में आप पटना से यहाँ पहुँच सकते हैं। और अगर आप दीघा और बोरिंग रोड साइड हैं तो 15 मिनट, हम तो जाते आते रहते हैं। तो ये सर मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है इस स्कूल में, इस स्कूल के बारे में एक लाइन बोलना चाहता हूँ। इस स्कूल में शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जाता है, ये बहुत संस्कार, ये बहुत बड़ी बात। और यहाँ के जो टीचर हैं जो भी हैं बहुत बहुत वेल एजुकेटेड हैं और बहुत पारिवारिक, हमारा भोजपुरी में जो कहा पारिवारिक लोग, जैसे समझा समझा के बच्चे को, हमारे बच्चे खुद इसमें पढ़ते हैं। और यहाँ के बहुत सारे लोग, आप एक बार विजिट जरूर करें स्कूल का, देखकर आप अपने बच्चे को बड़ा से बड़ा जिसको बड़ा स्कूल बोलते हैं वहाँ से नाम कटवा के ग्लोबल एजुकेशन में आप लिखवाएंगे, मेरा दावा है। लिट्टी बन रहा है, देखिए आग आग पर एकदम गरम गरम है ना, चंदन भाई एकदम बना रहल बड़े। तो ये लिट्टी रउड़ा लोगिन, ये देखिए तनी एकदम गरम गरम, हाथ जरी हाथ जरी, और लिट्टी लिया और बनू फुल। हाँ लिट्टी मटन पार्टी चल रहा बा, लिट्टी मटन पार्टी के। ये देखिए क्या बात, हाँ बसवा हट जाओ पीछे। और ये लिट्टी डालिए 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 डालिए, इतना आग तेज बा कि ये लिट्टी फटाफट हाथ मारत रह। ये है लिट्टी, वाह कमाल के, हाँ कमाल का लिट्टी। हमें हमनियों के तनिसो हाथ बढ़ा दे तनिसो, हाथ जोड़े के तो रहला, लेकिन ये बिहार की हमनी के सुप्रसिद्ध लिट्टी के, अगर विदेश में बनी तो ये याद आ जाई
अगर विदेश से हमार वीडियो देखो तनी तो उनके ये याद आ जाए कि गांव में लिट्टी कैसे लागत रहे, लेकिन सारा लोग लागल बा लिट्टी चट लिट्टी पट भंटा कहे के होला, लेकिन हमें टाइम लगे ला भाई। देखिए खाली चट लिट्टी पट भंटा, लेकिन हमें बड़ी टाइम लगे ला। हाँ जी, हाँ कहा था कि हमें आग आ जाओ, चंदन जी हमारे हैं आग रहे हैं। अरे बहुत लहके लगभग जो कही लिट्टी हो, चलो 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 शर्मा जी। हाँ देखो जाता है तो देखिए ऐसे फाटे लगे ला। फट जाता तो तब एक मतलब लिट्टी अब पाक गई बा, लेकिन तब पर भी एक के आगे में तोपल जाए। देखिए सब लिट्टी फाटे लगल, लाइट बारी तो जी देखिए लिट्टी ये फटने लगा, फाटे लगल एक मतलब देखिए सब लिट्टी फाटे लगल, लिट्टी एकदम तैयार बा, मुँह में पानी होता उका कतर तोपतर। देखिए कार बन के देखिए लिट्टी या मीट तैयार बा, हमने खाते नहीं सब आदमी। तो लास्ट पार्टी लास्ट ना नहीं आज ये लिट्टी के तो लिट मिट्टी। ग्लोबल एजुकेशन CBSE एफिलिएटेड हो चुका है हमारे दिल्ली से, और यहाँ 10+2 तक पढ़ाई हुई। तो बा गंगाजल बड़का बगीचा जौन JP सेतु लोग देखते नहीं, JP सेतु से 100 मीटर के दूरी पर हमारे BIB हवेली के जस्ट बगल में, ठीक बा। तो ये जी प्री नर्सरी से लेके 10+2 तक के शिक्षा बा, यहाँ देश विदेश के बहुत सारा भाषा जैसे फ्रेंच जर्मन हिंदी इंग्लिश सब भाषा यहाँ सिखावल जाला। आ बहुत अच्छा ट्रेनिंग होला और बहुत ट्रेंड यहाँ टीचर बाड़े, यहाँ डायरेक्टर में सुरेश जीवानी, यहाँ के प्रिंसिपल मैम बहुत टैलेंटेड बहुत अच्छी बाड़ी, यहाँ जोन भी टीचर बाड़े सब वेल क्वालिफाई बाड़े, और बहुत अच्छा कोऑपरेटिव आ बच्चा सबके समझा समझा के पढ़ावे वाला। आ स्कूल के स्थापना हमने के विजय सर कैले रहनी, आज दुनिया में वहाँ के नहीं थी, जहाँ माता रानी वहाँ के जहाँ भी बानी आत्मा के वहाँ के शांति दे। और विजय जी के बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने के गंगाजल बड़का बगीचा में ऐसा एगो प्रोजेक्ट लेके आनी, इतना बड़ा स्कूल, ये पूरा एरिया सोनपुर पटना दीघा ये पूरा एरिया के विकास में सबसे बड़ा योगदान रहल। तो रौरा लोगन भी अगर अपना बच्चा के एडमिशन कराव के चाहतनी तो ग्लोबल एजुकेशन में आके स्कूल ऑफ ग्लोबल एजुकेशन में एडमिशन कराई, एडमिशन ओपन बा 10+2 तक बा, CBSE एफिलेटेड बा। तो रौरा लोगन आके यहाँ कर सकतनी, ये जैसे भी जैसे रौरा सोनपुर से अगर आवतनी तो दीघा पुल के पहले दाहिने साइड गंगाजल बड़का बगीचा, अगर पटना से आवतनी तो पुल जैसे ही पार करतनी वह लेफ्ट साइड में ये बावे स्कूल ऑफ ग्लोबल एजुकेशन हमारे BIB हवेली यानी हमारे घर के जस्ट बगल में। तो आई आज लिट्टी चोखा के पार्टी, लिट्टी चोखा कहते हैं, लिट्टी चोखा एक दिन पार्टी भई रहे, और आज लिट्टी मीट के प्रोग्राम बावे, एगो छोटा सा फंक्शन बा, स्कूल के जस्ट बगल में ये प्रोग्राम हो रहा बा, पीछे स्कूल बा जस्ट ओकरा बगल में एगो प्रोग्राम हो रहा बा। आज लिट मिट्टी कैसे बनला देखा तनी।